हेलो गाइस, वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे आज के संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज के बारे में। आज के संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज में कुछ खास नहीं था, सो वी हैव एडेड वन मोर न्यूज़। और वो जो न्यूज़ है वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के रिलेटेड है, जो प्रीलिम में और मेंस में दोनों में काम आएगी, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का न्यूज़पेपर। हमारे आज के न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी जो न्यूज़ है उसमें पहली न्यूज़ में ऐसा लिखा है कि सम ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस माइट हैव ओरिजिनेट फ्रॉम द फिश। A fish could be their early host. यहाँ पे ऐसा है कि fish could be their earliest host. अब we are not so sure about it कि वो fish earliest host हो सकती है नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक कोई proper research नहीं पाया गया है। जब तक research नहीं हो रहा तब तक हमें नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि शायद ये host हो सकते हैं, but we have no idea about it. It is yet to be tested. जितना और ज़्यादा इसमें रिव्यू होगा उसमें और पता चलेगा कि जो भी अर्ली होस्ट हमारे हैं सर्टेन वायरसेस के, वो क्या है, कैसे है, वायरसेस कैसे इवॉल्व होते हैं, उनकी बायोलॉजी क्या है, उनके जेनेटिक्स कैसे वर्क करते हैं, वो ह्यूमन के साथ कैसे रिलेटेड हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें कब पता चलेगी? जब प्रॉपर एक स्टडी होगी तब हमें पता चलेगी। स्टडी के बिना हमें पता नहीं चलेगा, राइट? तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ फाइटोप्लैंकटन ब्लूम। अब जो फाइटोप्लैंकटन है वो क्या है, तो दे आर मोस्टली एल्गीज। वो एक प्रकार का प्लांट होता है। क्या होता है? प्लांट होता है। अब दे आर फर्स्ट प्लांट। अब वो फर्स्ट प्लांट के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज मिला है उनके साइज के अंदर और इनकी फ्रिक्वेंसी के अंदर। अब देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर वेरी नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। अब वो ग्रोथ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो एक तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद आते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से हो सकते हैं, तो कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे जो है दे आर कॉल्ड देयर न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से धीरे धीरे क्या होना चालू हो गया है कि उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो तादाद तो बड़ी बड़ी, उनके साइज़ में भी इंक्रीज हुआ पाया गया है। अब ये रीज़न क्या हो सकता है, तो रीज़न कैन बी अ फिनोमेना कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। कौन सा? यूट्रोफिकेशन। विट्रोफिकेशन इज नथिंग बट अल्गल ब्लूम बिकॉज ऑफ द सडन इंक्रीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन सर्टेन इकोसिस्टम। अब वो इकोसिस्टम के अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो फिर जाते यूट्रोफिकेशन होता है। और यूट्रोफिकेशन में होगा क्या, कि यूट्रोफिकेशन में होगा कि सडन ये जो एल्गल्स है वो पूरे पूरे एरिया को कवर कर लेगी, पूरे लेक के सर्फेस को कवर कर लेगी, और फिर जाके जो भी प्रॉब्लम कॉज होंगे वो सारे यूट्रोफिकेशन है। और यूट्रोफिकेशन को लेके हम नए वीडियो लेके आएंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा पता चलेगा। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि सडन प्लैंकटन ब्लूम हुआ है, रीज़न क्या है, क्योंकि एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आए हैं और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उनके साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों में इंक्रीज हमें मिला है। उसके बाद की जो न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट कार्बन स्टॉक इन सम काइंड ऑफ फॉरेस्ट। अब ये जो कार्बन स्टॉक है वहाँ पर अगर बात करें तो कार्बन स्टॉक का पहले एस्टिमेशन हुआ था, अब ये दूसरा एस्टिमेशन हुआ। तो ये दूसरे एस्टिमेशन में ऐसा पाया गया है कि जो पहले जो एस्टिमेशन हुआ था वो माइट बी ओवर एस्टिमेटेड। वो क्या हो सकता है, एक प्रकार का ओवर एस्टिमेटेड हो सकता है। अब ये ओवर एस्टिमेटेड कैसे होगा, तो वहां पे ऐसा है कि एवरेज कार्बन स्टॉक ऑफ सिंगल ट्री इज अराउंड 51 kg ऑफ कार्बन इन हाइपर एरिड, मतलब जो बहुत बहुत ही ड्राई होता है उसमें कितना होगा, तो 51 kg होगा। दूसरे में ऐसा लिखा है कि जहाँ पे सेमी एरिड है वहाँ पे 72 kg होगा, जो थोड़ा सा ह्यूमिड है वहाँ पे 98 to 100 kg जितना हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज कार्बन स्टॉक, राइट? तो कार्बन स्टॉक क्या होता है कि पूरे उसकी लाइफ टाइम दरमियान जो ये पूरा ट्री है वो कितना CO2 को एब्जॉर्ब करता है और CO2 को सिक्वेस्टर करने के बाद कितने लीव्स, कितनी ब्रांचेस, कितने स्टेम, कितने रूट्स, वो सभी का जितना भी ग्रोथ होगा वो सारे ग्रोथ को हम कहते हैं कि कार्बन स्टॉक। अब पूरे जो एक ट्री है उसमें जहाँ जहाँ पे भी हाइपर एरिड, जहाँ पे पानी उतना ज़्यादा होता नहीं है, वो पानी के अंदर उस प्रकार के इकोसिस्टम के अंदर किस तरह का ये कार्बन स्टॉक होगा, तो कार्बन स्टॉक वहाँ पे बहुत कम होगा। दूसरा ऐसा होता है कि थोड़ा सा पानी मिलेगा तो ऑब्वियसली कार्बन स्टॉक बढ़ेगा, और ज़्यादा पानी मिला तो और कार्बन स्टॉक बढ़ेगा। तो ये जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के हिसाब से वहाँ पे कार्बन स्टॉक हमें ऑन एन एवरेज एक ट्री में कितना मिल रहा है, 51 kg से लेके 98 kg की तक मिल रहा है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एब्सोल्यूटली ऑन डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम, राइट? तो अब आपके लिए एक होमवर्क है कि रेन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में ये जो कार्बन स्टॉक है वो कितना हो सकता है, वो आप हमें ढूंढ के बताइए। सेक्शन कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि ये कितना हो सकता है। आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले न्यूज़ यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब जो न्यूज़ आता है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ है।
एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज में पहला ही आता है कि जो हमारे ग्रेट सी हॉर्स है वो ओवर फिशिंग की वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो एक तरह रिड्यूस हो रही है एंड देन दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट टू ओडिशा कोस्ट। अब वो ओडिशा कोस्ट में जो शिफ्ट हुआ है इतना उनका माइग्रेशन हुआ है। एज सच दीज आर नॉट नोन फॉर द माइग्रेशन, दीज आर नॉट सो मच माइग्रेटेड और उनकी जो स्विमिंग कैपेसिटी या फ्लोटिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही लिमिटेड रहती है। तो वो सडनली ओडिशा कोस्ट गए क्यों? तो रीज़न इज ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग की वजह से उनको वहाँ पे शिफ्ट हो जाना पड़ा। अब न्यूज़ में ऐसा कहा गया है कि दीज स्पीसीज आर वल्नरेबल स्पीसीज। ये कैसे सारे वल्नरेबल स्पीसीज है और वर्ल्ड में टोटल 46 स्पीसीज उसके पाए जाते हैं और वो जो 46 स्पीसीज है उसमें से इंडिया इज़ वन ऑफ द हॉटस्पॉट फॉर दैट पॉपुलेशन और जो पॉपुलेशन है वो धीरे 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 डिक्रीज होती जा रही है और मेजरली उनकी पॉपुलेशन कहाँ पे पाई जाती है? तो सी ग्रासेस है वहाँ पे पाई जाती है, मैंग्रोव सुंदरबन आपको पता होगा वहाँ पे पाई जाती है, माइक्रो एल्गल बेड्स वहाँ पे पाई जाती है एंड देन कोरल रीफ जो हमारा अंडमान निकोबार से लेके लक्षद्वीप से लेके पूरा जो हमारा वेस्ट कोस्ट है जहाँ जहाँ पे भी कोरल मिलती है सभी जगह पे वो पाए जाते हैं। अब इंडिया में टोटल ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो 8 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरी के अक्रॉस पाए जाते हैं, फ्रॉम द कोस्ट ऑफ गुजरात से लेके ओडिशा कोस्ट तक, लक्षद्वीप से लेके अंडमान, हर एक जगह पे वो पाए जाते हैं एंड दे आर टर्म्ड और टैग्ड एज अ वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू IUCN। किसके हिसाब से? IUCN करके एक बॉडी है जो हर एक को एक कंजर्वेशन स्टेटस देती है या तो फिर उसका करंट जो स्टेटस है, स्टेट ऑफ राइट नाउ करंटली जो है उस हिसाब से वो देता है, तो उसको दिया गया है वल्नरेबल। और वल्नरेबल के हिसाब से अब जाके हम देखेंगे कि अब क्या वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकते हैं या तो फिर एंडेंजर्ड हो सकते हैं, अभी तो फिलहाल वल्नरेबल है। और वो जो है वल्नरेबल और उनके ऊपर थ्रेट क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें उनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या तो फिर ऑर्नामेंटल फिशिंग। आपके घर में अगर एक्वेरियम हो तो वहाँ पे आपको ये रखना पसंद आएगा, फिर अगर कहीं पे जू है तो वहाँ पे भी आपको रखना पसंद आएगा, तो उसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन रिड्यूस हो रहा है ना। उनके फिशिंग के ऊपर बैन लगाया गया है। कब से बैन लगाया गया? तो इंडिया में उनका बैन लगाया गया 2001 से, पर फिर भी दे आर सब्जेक्टेड टू बाई कैचिंग। बाई कैचिंग क्या होता है कि आप पकड़ने जा रहे हो टूना फिशेस और टूना फिशेस के नेट में जाके ये फंस सकते हैं। और एटलीस्ट हमें पर ईयर कितने ये ऐसे मिस कैच मिलते हैं? तो 13 मिलियन जितने मिस कैच मिलते हैं, राइट? तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, अगर इतने ज़्यादा इंडिविजुअल जो बाई कैचिंग में हमें मिल जाएंगे तो फिर उनकी पॉपुलेशन सडनली डिक्रीज होगी। तो पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं होगी तो फिर उनको माइग्रेट करके जाना पड़ेगा एंड दे हैव माइग्रेटेड एटलीस्ट 1300 किलोमीटर। कितना? 1300 किलोमीटर एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ द ओवर फिशिंग। अब ओवर फिशिंग के लिए उनको इतना मूव करके जाना पड़ रहा है एंड दो दे आर नॉट स्विफ्ट स्विमर्स और दे आर नॉट सो स्विफ्ट फ्लोटर्स, तो फिर उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो इनको हमें बचाना पड़ेगा, हमारी ओवर फिशिंग की प्रैक्टिसेस है उसको हमें रोकना पड़ेगा, राइट? तब जाके हम सी हॉर्स को रोक सकते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, एक जो सी हॉर्स होता है वो जब बर्थ देता है तो वो थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ में बर्थ देता है और उसमें हर थाउजेंड से सिर्फ 5 या 6 ही होते हैं कि जो फुल ग्रोन एडल्ट बन सकते हैं, बाकी सारे बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन वो मरते जाते हैं। उसके बाद जो हमारी न्यूज़ है इट इज़ अबाउट अरीबाड़ा। अरीबाड़ा जो न्यूज़ है, अरीबाड़ा किसके लिए रिलेटेड है? तो इट इज़ रिलेटेड टू ऑलिव रिडली टर्टल्स। जो ऑलिव रिडली टर्टल्स है वो कहाँ पे आते हैं? ओडिशा कोस्ट में आता है। ओडिशा का जो गंजम कोस्ट है वहाँ पे हमें ये पाए जाते हैं। और कौन सी रिवर का माउथ है वहाँ पे? तो ऋषिकुल्या रिवर। कौन सी? ऋषिकुल्या रिवर जो है उसके माउथ में ये पाए जाते हैं और वहाँ पे वो मास नेस्टिंग करने आते हैं। तो जो मास नेस्टिंग करने आते हैं वही प्रोसेस को हम कहते हैं अरीबाड़ा। और ये जो अरीबाड़ा प्रोसेस है वो जनरली हमारे इस टाइम के दरमियान, आप समझिए इस टाइम के दरमियान कहाँ पे पाई जाती है? तो वो पाए जाते हैं ओडिशा कोस्ट में। कहाँ पे? ओडिशा कोस्ट में। और वहाँ पे दे हैव ट्रस्टेड गहिरमठ एंड ऋषिकुल्या बीचेस फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब ये समझिए सालों से वहाँ पे आते ही रहते हैं, वो मास नेस्टिंग करते हैं और वो मास नेस्टिंग के प्रोसेस को ही कहा जाता है अरीबाड़ा। अरीबाड़ा प्रोसेस जो है वो नाम डिराइव हुआ है स्पेनिश से, जिसका नाम है अराइवल फ्रॉम द सीज, बिकॉज ये जो टर्टल्स होते हैं वो थाउजेंड एंड थाउजेंड किलोमीटर स्विम करने के बाद ओडिशा कोस्ट पे आते हैं और वहाँ पे जाके मास नेस्टिंग करेंगे। एंड राइट नाउ दिस ईयर वी हैव सीन दैट देयर स्केल हैज बीन इंक्रीज्ड कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ऑलरेडी जो हमारे वहाँ 4.4 लाख की जो पॉपुलेशन है उसको क्रॉस कर गए हैं। अब फिर भी एट द एंड ऑफ अप्रैल हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कितने आए हैं, वो 4.54 तो अभी हो गए हैं, माइट पॉसिबल वो 5.5-6 लाख तक
जा सके. एंड दे आर ऑल्सो बीन टैग्ड एज अ वल्नरेबल बाय IUCN बॉडी. बाय वॉट? IUCN बॉडी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. उनका क्या कहना है कि इनका टैग है वल्नरेबल, मतलब इनके ऊपर भी थोड़ा सा एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है. अब एक जो टर्टल आती है वो टर्टल कितने एक साथ अंडे ले करेगी? वो 1000 जितने अंडे ले कर सकती है, और वो 1000 में से ही 4-5-7 जो है वही आगे जाके फुल ग्रोन एडल्ट बनेंगे. अब उसके ऊपर खतरा कौन सा है? तो उनके ऊपर खतरा है स्ट्रे डॉग्स का, क्योंकि वो सीधे उसको खा जाते हैं. स्ट्रे डॉग्स के साथ साथ दूसरा क्या उनके ऊपर खतरा है? तो खतरा है कि बीच इरोजन, बीच में जो इरोजन होता जा रहा है वो सबसे बड़ा खतरा है. प्लस ये रेप्टाइल्स में एक चीज ये है कि जितना ही सैंड का टेम्परेचर या तो फिर लैंड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा फीमेल में कन्वर्जन होता है. किसमें? फीमेल में कन्वर्जन होता है. अब वो फीमेल में कन्वर्जन होने के बाद उनका जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है. अब समझिए कि 1000 इंडिविजुअल में से मेल कितने निकलते हैं? फिर 5 या 7 ही मेल निकलते हैं, बाकी सारी फीमेल निकलती है. तो ये जो स्क्यूड सेक्स रेशियो की वजह से उनकी पॉपुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती जा रही है. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लैंड का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज वाई ऑल द एग्स हैव बीन टर्न्ड इनटू फीमेल. अब फीमेल टर्न होने की वजह से ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको भी हमें काउंटर करना पड़ेगा. नाउ दे हैव क्रॉस्ड लास्ट ईयर्स फिगर 5.5, सॉरी मैंने 4.4 लिखा, बट इट वॉज 5.5 बिटवीन द मार्च एंड अप्रैल 4. अब बाई द एंड ऑफ अप्रैल हमें प्रॉपर डेटा मिलेगा कि ये ज्यादा आए हैं या कम आए हैं. तो ये जो जनरली जब एग ले करने के लिए आते हैं तब वो 30-50 सेंटीमीटर जितना डीप एक चैम्बर बनाएंगे जिसको एग चैम्बर कहते हैं, और फिर जाके वहाँ पे एग ले करेंगे, फिर अपने फ्लैप से वो पूरा पूरा कवर कर लेंगे और फिर वो वापस ओशन में चले जाएंगे. सो दे डू नॉट वेट, दे नेवर वेट फॉर द एग इज टू मैच्योर. वो हैचलिंग बनने का वेट नहीं करते, वो फिर नेचर में ही छोड़ देते हैं और फिर नेचर में बन के ही उसका हैचलिंग आगे बनता है. राइट? तो जब ये अंडे देते हैं, तब ये अंडे देते हैं तब पूरा कवर करके वो निकल लेंगे. अब कवर करके जब निकल लेते हैं तो फिर वो किसके भरोसे हो जाता है? नेचर के भरोसे हो जाता है. और फिलहाल हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या तो फिर एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री है, एनवायरमेंटल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, उन्होंने अभी फिलहाल क्या किया है, इन सभी का वेटिंग और मेजरिंग करना चालू किया है. वेट में हमें पता चला है कि दे हैव लाइक फुल्ली ग्रोन एवरेज अप टू 50 किलोग्राम. उसके साथ साथ उनकी लेंथ कितनी होती है? नियरली हाफ ऑफ द मीटर जितनी लेंथ होती है, और उनको हमने टैग करना चालू किया है. ये जो जियो टैगिंग करेंगे उनसे क्या पता चलेगा कि कौन से पाथ से माइग्रेट होके आते हैं, कौन सी सीजन में कहाँ पे रुकते हैं, फिर जाके इंडिया में कब आते हैं, क्या उनके पाथ के ऊपर कोई ट्रबल आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारा हमें बाद में पता चलेगा. राइट? तो ये जो है दे डू नॉट वेट फॉर द एग्स टू ग्रो अप, और फिर जाके वो सारे वापस ओशन में चले जाते हैं. जब ये ओशन में चले जाएंगे फिर जाके पूरे ऐसे ये ग्रोन अप होंगे, हैचलिंग बाहर निकलेगी, हैचलिंग बाहर निकलने के साथ वो भी ओशन में चली जाएगी और फिर जाके वहाँ पे वो ग्रोन अप बनेंगे. तो इस हिसाब से पूरा उनका कंजर्वेशन चल रहा है. और कंजर्वेशन के साथ साथ हमने क्या भी अप्लाई किया है, हम अप्लाई कर लेते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन के सर्टेन नॉर्म्स अप्लाई कर देते हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जहाँ पे हम सर्टेन एक्टिविटीज़ को रोक लेते हैं, मैकेनाइज्ड बोट को रोक लेते हैं, ओवर फिशिंग को रोक लेते हैं, नो कैच जोन डिक्लेयर करते हैं. क्या डिक्लेयर करते हैं? नो कैच जोन डिक्लेयर करते हैं. अब ये नो कैच जोन डिक्लेयर करने के साथ वी इंश्योर दैट दीज टर्टल डू नॉट गेट टेंगल इन टू आर नेट्स. नेट्स के अंदर टेंगल हो गए तो फिर उनकी डेथ हो सकती है, एंड विच इज़ नॉट गुड. और वो भी हमारे अपेंडिक्स 1 साइट्स के अंदर प्रोटेक्टेड है बिकॉज दे आर माइग्रेटरी स्पीसीज. सो That's it from our side. Thank you very much for listening us. I hope you like the video. और अगर आपको पसंद आया हो तो definitely इसको share करिए और हमारी मदद कीजिए, हम ऐसा ही content लेते आएंगे. So that's it from our side. Thank you very much. See you next time.